एक नौजवान ऐसे ही छाट रहा था लड़की, वही लड़की उसको पसंद नहीं आई, उसके माँ बाप उसके घर वाले परेशान हो गए और छाटते छाटते इसकी उम्र 40 साल हो गई। इसका बहू नहीं बोला कि अब तुम्हारी शादी नहीं होगी, बोला कहा है, बोला अब तुम 40 साल उम्र हो गई बुढ़वा हो गया कौन ब्याह करेगा। तो बहू नहीं को बोला कि नहीं 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 अब हम कर लेंगे, अब हम लड़की नहीं देखेंगे ना छाट छूट करेंगे, आप जो लड़की देखिएगा हम कर लेंगे। उसका जीजा जी बोला सर ठीक है जी करा जी तुरा ब्याह। एक काली लड़की देखा खूब काली, बात चलाया पक्की हो गई, बारात गई शादी करके बीवी को घर ले आया, रात में बीवी के पास गया, बीवी घूंघट उठा के जो सलाम की ये लड़का बेहोश हो गया। बीवी समझी कि शायद इसको कोई बीमारी है, करे भाई बेहोश का हो गया हमको देखते ही, पानी का उठाई गिलास छीटी और बोली कि अरे की बोलो जो तुरा कहा बेहोश बोला कुछ पूछे चाहे जला तो पहले बेहोश भाग लो। तो लड़का आँख खोला बोला जल्दी पूछो ना तो फिर बेहोश हो जाएंगे। उसकी भी पूछी कि देखिए हम यहाँ नहीं नहीं आए हैं, किससे पर्दा करेंगे नहीं करेंगे आप थोड़ा हमको बता दीजिए। तो नौजवान बोला तुम किसी से पर्दा करो या ना करो लेकिन हमसे जरूर पर्दा करना, फिर भी बेहोश हो गया। सर का मसा करना कैसे करोगे मसा, अपने इमाम साहब से पूछ लेना, हमारे हजरत मौलाना असरार साहब दामत बरकातों और हमारे हजरत और दीगर उलमा साहब कारी महताब साहब इमाम साहब हाफी साहब मुफ्ती साहब से पूछ लेना सर का मसा करना, दोनों हाथों को इस तरीके से मिलाना, ये उंगलियों को इस तरीके से मिला, इस तरीके से मिलाकर यहाँ से लेकर पीछे तक गुद्दी तक आओ, फिर इस हाथ को लेकर इधर वापस करो, फिर कानों में उंगलियाँ डालो, ये चौथाई सर का मसा है जो फर्ज है, जो फर्ज है, ये तीसरा फर्ज था और चौथा फर्ज है पांव धोना, ये चार फर्ज है, गुसल में 3 फर्ज वजू में 4 फर्ज, इंशाल्लाह करोगे अमल करोगे इंशाल्लाह। और जब बदन पाक हो गया हमारा वजू हो गया तो अल्लाह के घर में हम आएंगे अपनी क्या कहते नीयत बांधेंगे अल्लाह के बारगाह में नमाजों को अदा करेंगे, अल्लाह खुश हो जाएगा, अल्लाह खुश होगा मेरे घर में बरकत देगा, अल्लाह खुश होगा मेरे चेहरे पे नूर पैदा करेगा, अल्लाह खुश होगा परेशानी दूर होगी, अल्लाह खुश होगा मुसीबत को दूर कर देगा, अल्लाह खुश होगा औलादे फरमा बरदार हो जाएगी, अल्लाह खुश होगा अल्लाह मेरे कारोबार में बरकत देगा, अल्लाह खुश हो जाएगा मेरा तिजारत बढ़ जाएगा, अल्लाह खुश हो जाएगा अल्लाह तमाम मखलूकात के दिलों में मेरी मोहब्बत पैदा कर दे। सुभान अल्लाह नारे तकबीर अज़मते इस्लाम जिंदाबाद अज़मते इस्लाम जिंदाबाद। नमाज पढ़कर देखो नमाज के बोलो ना काज अच्छे, काज के बोलो अमर नमाज अच्छे, काज के बोलो अमर नमाज अच्छे। यही बैतुल मुकद्दस मस्जिद अक्सा से अल्लाह के रसूल मेराज पर गए, कहाँ गए मेराज, कहाँ है मेराज, कहाँ हुई 7वें आसमान के बाद सिदरतुल मुंतहा है, सिदरतुल मुंतहा के बाद अल्लाह का अर्श है और कुर्बान जाओ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू हुई अल्लाह की। अब अल्लाह अल्लाह के रसूल में गुफ्तगू हुई ये अल्लाह जाने अल्लाह के प्यारे रसूल जाने, जब वहां से आने लगे अल्लाह ने कहा मेरे महबूब रुक जाइए तोहफा लेते जाइए, क्या लेते जाइए तो अल्लाह के रसूल रुक गए, कहा कि अल्लाह क्या तोहफा है, तो बोले तोहफा है 50 वक्त की नमाज, कै वक्त की नमाज, बाप रे बाप 50, अगर 50 वक्त की नमाज रह जाती तब ले नमाज की दे नमाज, लेकिन एक बात याद रखो जो पढ़ने वाले हैं ये 50 वक्त क्या, अगर मेरा अल्लाह 100 वक्त कभी नमाज देता तो पढ़कर दिखा दे। अल्लाह के रसूल लेकर चले 6ठे आसमान में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा या रसूल अल्लाह क्या तोहफा मिला, कहा कि 50 वक्त की नमाज, कहा कि अल्लाह अल्लाह जाइए जाइए कम करवाइए, मेरी उम्मत के ऊपर मैं 2 वक्त की नमाज फर्ज थी फजर और असर, बनी इसराइल के ऊपर मैं 2 वक्त की नमाज फर्ज थी बनी इसराइल के ऊपर मैं फजर और असर मेरी उम्मत नहीं पढ़ पाती थी, ये तो 50 वक्त है कम करवाइए। अल्लाह के रसूल गए, अल्लाह ने कहा मेरे महबूब क्या है, कहा कि अल्लाह कुछ नमाजें कम हो जाती, अच्छा 5 वक्त की नमाज कम हो गई, जाइए कितनी रह गई
बोलो भाई कितनी रह गई? मूसा अलैहि सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह कितनी कम हुई? बोले पाँच। बोले फिर जाइए, फिर गए, फिर पाँच कम हो गई, कितनी रह गई? नौ बार गए, कितने बार गए? पाँच, पाँच कम होती गई, नौ पाँचे पैंतालीस चली गई, कितनी रह गई? पाँच। मूसा अलैहि सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह कितनी रह गई? बोला पाँच। बोला जाइए एक बार और। अच्छा, जो नमाज नहीं पढ़ता है वो सोचता होगा आहा एक बार और चले जाते, फिर नमाज का झमेला रहता भाई, नमाज पढ़ने का कोई इलाफा था? और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया मूसा अब मैं नमाज कम करने के लिए अपने अल्लाह के पास नहीं जाऊंगा, मुझे शर्म आती है, ये नमाज मैं खुद पढ़ूंगा, मेरी उम्मत पढ़ेगी। अल्लाह ने इस गुफ्तगू को सुना है तो मेरे अल्लाह ने ऐलान किया है मेरा महबूब मेरा वादा पक्का वादा है, इन्ना वादा हक्कुन, मेरा महबूब मेरा वादा मेरा कौल पक्का है, मेरे महबूब मैंने आपको 50 वक्त की नमाज दी थी, कम होकर ये 5 वक्त की नमाज रह गई है, मेरे महबूब जो मेरा बंदा आपकी उम्मत 5 वक्त की नमाज पढ़ेगी हम उसे 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए नौजवानों 5 वक्त की नमाज पढ़ो, 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब पाओ। अल्लाह तबारक व तआला हमारे नौजवानों को या अल्लाह पक्का सच्चा नमाजी बना दे, आमीन बोले लो। ए अल्लाह हमारा जो नौजवान सजदों से दूर है, मस्जिदों से दूर है, या अल्लाह कयाम से दूर है, या अल्लाह उन्हें कयाम मैं खड़े होने वाला बना, रुकू में झुकने वाला बना, सजदे में पेशानी को झुकाने वाला बना। या अल्लाह हमारे इन नौजवानों के गुनाहों को माफ फरमा कर, या अल्लाह अपनी मस्जिदों को आबाद करने वाला बंदा बना ले। या अल्लाह इन बंदों से, हम बंदों से या अल्लाह तू मोहब्बत करे मौला। या अल्लाह सारी दुनिया रूठ जाए कोई गम नहीं है, या अल्लाह तू हमसे राजी रह मेरे मौला, हमसे तू ना रूठे मौला। या अल्लाह तू रूठ जाएगा तो हम ये ना यहाँ के हैं ना आखिरत के हैं, या अल्लाह हम सब से तू राजी हो जा, आमीन बोले दल। बस ये आखिरी बात बताकर इंशाल्लाह मेरा एक घंटा पूरा हो गया। अभी मुफ्ती हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब दामत बरकातहुम की तकरीर को आपको सुननी है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बस आखिरी बात बताकर मैं अपनी बात को यही ख़त्म करना चाहता हूँ, इसलिए कि वक्त ज़्यादा हो गया है, आपको सोना भी है और साथ ही साथ फजर की नमाज भी पढ़नी है। वादा कर लो जिगर, फजर की नमाज भी पढ़नी है, बोलो इंशाल्लाह पढ़ेंगे। हाँ, लेकिन एक बात याद रखो मेरे बच्चों, अभी रात भर जगे, अब 2 बजे रात में सो गए, 3 बजे रात में सो गए, फजर नहीं पड़े, ये पूरी रात का जगना बेकार, पूरी रात का जगना बेकार हो गया फजर अगर आपने नहीं पढ़ी है। इसलिए नींद आए, जलसा जब दुआ हो जाए तो 2-3 घंटा का टाइम मिले तो सो जाना, अलार्म लगा के सोना, और जैसी फजर की अजान हो जाए उठ जाना, नमाज पढ़ लेना, फिर आराम 2-3 घंटा आराम करके फिर अपने कारोबार में लग जाना। अल्लाह तबारक व तआला, हाँ कलकत्ता देखिए, अभी हाल ही में उड़ीसा में आज कई दिन 14 दिन हुआ, उड़ीसा में एक जलसा था, एक पपीता मैंने 1,75,000 में बिक गया, 1,75,000 में एक पपीता नीलामी हुई। अल्लाह, मस्जिद का जलसा था, ये तरबूज किसी ने दिया है मदरसे में दिया है, कहाँ दिया है? मदरसे में दिया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इससे कुछ फ़ायदा मदरसे को होना चाहिए था, तो इंशाल्लाह इसकी बोली लगेगी, तो इंशाल्लाह हिस्सा लोगे? इंशाल्लाह भाई हिस्सा लोगे? हाँ तो ठाके बोले इंशाल्लाह सारा मजमा। अरे हमारे उसके लिए मैं उसके लिए 5 दुआ करूंगा, कबूलियत की घड़ी है, मुसाफिर हूं मैं, मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती, अल्लाह के रसूल की हदीस है, और अल्लाह के रसूल की हदीस क्या है, ये ज़मीन फट सकती है, पहाड़ अपनी जगह हिल सकता है, आसमान झुक सकता है, सूरज पश्चिम के बजाय पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफ़ा बदल नहीं सकता।
हुजूर की हदीस है, मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती, अल्लाह उसकी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल करता है। मैं उसके लिए 5 दुआ करूँगा। और ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा, देखा बुढ़िया गिरी पड़ी है, वो खरीद गया मोटरसाइकिल, खड़ गया, बुढ़िया को उठाया, हे दादी उठ 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 उठ, चोट लगना, उठ 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 उठ। वो बुढ़िया उठी, वो बुढ़िया बोलिए बेटा जितना जल्दी तुम हमको उठाया ना, हम दुआ करते हैं उतना जल्दी अल्लाह तुमको भी उठा लेगा। इस तरबूज देखते हैं इंशाल्लाह, बढ़ चढ़ कर इसमें बोली लगानी है। नीयत यह है, ये असल में ये तरबूज खरीदना नहीं है, असल में मदरसे को ताबून करना है। यहाँ मकसद ये है, इसकी कीमत ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि इसका वैल्यूएशन क्या मार्केट में जानते हैं 20-50 रुपया। असल मकसद आपका ये होना चाहिए कि ये पैसा जो हम दे रहे हैं इसी बहाने मदरसे में ताउन होगा और मेहमान रसूल की खिदमत होगी, और मेहमान रसूल की हम खिदमत करेंगे हशर के मैदान में, अल्लाह के रसूल हमारी शिफात फरमा कर हौज कौसर से जाम पिलाकर जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। आमीन। इस तरबूज की कीमत हम 1000 रुपये रखें। अरे वाह माशाल्लाह, खड़ा हो जाइए, 1000 रुपए रखे माशाल्लाह, नारे तकबीर, खड़े हो जाए माशाल्लाह, खड़े रहिए आप, खड़े रहिए 1000 वाले माशाल्लाह। और कोई है भाई माशाल्लाह, 1000 इन्होंने लगाया है, 3100 माशाल्लाह, 2100 ये नौजवान, नाम बोले नाम, नारे तकबीर, 2100 ये नौजवान लगाया माशाल्लाह, नाम बोले बाबू मोहम्मद एजाज साहब, 2100 माशाल्लाह। और तीसरा कोई नौजवान, 2500 नौजवान, देखिए माशाल्लाह लगाया तो वही 2500 पहले वाले 2500। अच्छा ये क्या नाम बाबू आपका, मुर्शिद, मुर्शिद मुर्शिद खुर्शीद आलम, अरे माशाल्लाह खुर्शीद बाबू ने 2500 रुपए लगाया माशाल्लाह। और कोई नौजवान, अरे बड़े बड़े मुजाहिद यहाँ बैठे हुए हैं मेरे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े पैसे वाले बैठे हैं यहाँ पर, अल्हम्दुलिल्लाह चेहरा बता रहा है कि है कोई 2500 भाई, मैं 5 दुआ करूंगा, 2600 अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए नौजवान, मुझे उम्मीद है कि ये खगड़िया की सरजमीन है, सखी लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है, फयाज लोगों का इलाका है, और कुर्बान जाओ इस तरबूज की किस्मत है आज 2600 नौजवान, तरबूज की किस्मत बदल रही है, 3000 ए देखिए नारे तकबीर, 3000 ये नौजवान आया 3000। और कोई, ए माशाल्लाह 3100 रुपये बढ़ाया माशाल्लाह, 3100 रुपये नौजवान ने बढ़ाया है, देखते हैं और कौन माँ का लाल है माशाल्लाह। अल्लाह माँ का हवाला, जिगर और खोर सारा जिस्म माँ के लिए हाजिर है ये भाई, 3100 रुपये माशाल्लाह, 5000 नारे तकबीर, नारे तकबीर, 5000 हमारा वो नौजवान, हमारा वो भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शेर ने 5000 रुपए लगाया है।